प्रशांत किशोर की जहां तक इनका आप चरित्र देखिएगा, ये पहले थे अपने नीतीश जी के साथ में, नीतीश जी ने इनको बहुत मान दिया, सम्मान दिया, इन्होंने बोला हम आपको जिताएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका जो डीएनए वो दिखा दिया, जिस थाली में ये खाते हैं उसमें छेद कर देते हैं। इन्होंने नीतीश जी के खिलाफ जे बार बार हर जगह जा करके बोलना शुरू कर दिए। नीतीश जी की अच्छाई ये है कि वो उनको झेलते रहे, लेकिन झेलने की भी एक सीमा होती है ना, आखिर उनको निकालना पड़ा। अब क्या हालत हो गई है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब ये खंबा नोच वह खंबा नोच यही कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी को क्या लग रहा है कि ये चाणक्य बन गए, ये जो है किसी की भी डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं। वाकई इन्होंने यहाँ पर जो जिस तरीके की राजनीति करी है दिल्ली के अंदर, वो इनको बोल दो भैया बिहार में नहीं चलेगी। मैं प्रशांत किशोर जी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ, प्रशांत भैया एक काम कर दो ना, एक विधानसभा अपनी मर्जी से ले लो, एक विधानसभा बिहार में, और जीत के दिखा दो उस विधानसभा को, और जीतो, और उसके बाद ऐसा जीतो बाकी सब की जमानत जब्त करा दो। प्रशांत भैया तुमको सल्यूट करूंगी मैं, पर मुझे भी पता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि करनी में और कथनी में बहुत अंतर होता है। मोटे पैसे लेके किसी के पॉलिटिकल एडवाइजर बन जाना और उनको ये बोलना कि मैं तुमको जिताऊंगा, अलग बात होती है कार्तिकेय। क्या कहेंगी मैम जो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि लालू पर ही राजनीति हो, विकास की बात ना हो। ये तो कार्तिकेय सनसनीखेज खुलासा कर दिया है इन्होंने प्रशांत किशोर ने, जो अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हमें 62 जो सीट्स हैं वो हमें अपने दम पे मिली हैं, हमें विकास के नाम पे मिली हैं, गुड गवर्नेंस के नाम पे मिली हैं, 5 साल हमने ताबड़तोड़ काम किया है, मतलब जिस दिन से मैं सत्ता में आया था बस मैं तो काम ही कर रहा था, काम करते करते मेरी कमर टूट गई, मैं जो था इतना 45 किलो का था 67 किलो का हो गया, इतना काम का बोझ मेरे ऊपर था, और सारा जो है मैं अपनी मेहनत से जीता हूँ। और प्रशांत किशोर भैया जो पूरे टाइम ये बोलते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो विजय है, इतना बड़ा विजय श्री उनको मिली है और मेरी वजह से मिली है, तो अब ये डिसाइड करना पड़ेगा इनको आपस में कि प्रशांत किशोर झूठे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, जीत किसने दिलाई है, ये आपस में डिसाइड तो कर ले, क्योंकि ये तो सिंघम बन के पहुँच गए दोबारा से वह बिहार में जहाँ से इनको निकाल के फेंका गया था। अब प्रशांत किशोर की जहाँ तक इनका आप चरित्र देखिएगा, ये पहले थे अपने नीतीश जी के साथ में, नीतीश जी ने इनको बहुत मान दिया, सम्मान दिया, इन्होंने बोला हम आपको जिताएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका जो डीएनए वो दिखा दिया, जिस थाली में ये खाते हैं उसमें छेद कर देते हैं। इन्होंने नीतीश जी के खिलाफ जे वो बार बार हर जगह जा करके बोलना शुरू कर दिए। नीतीश जी की अच्छाई ये है कि वो उनको झेलते रहे, लेकिन झेलने की भी एक सीमा होती है ना, आखिर उनको निकालना पड़ा। अब क्या हालत हो गई है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब ये खंबा नोच वह खंबा नोच यही कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी को क्या लग रहा है कि ये चाणक्य बन गए, ये जो है किसी की भी डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं। वाकई इन्होंने यहाँ पर जो जिस तरीके की राजनीति करी है दिल्ली के अंदर, वो इनको बोल दो भैया बिहार में नहीं चलेगी, क्योंकि बिहार में एक बहुत मजबूत सरकार है, यहाँ पे मजबूर सरकार थी। सरकार मजबूर क्यों थी दिल्ली के अंदर, इसलिए मजबूर थी क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहे थे। जैसे ही दिल्ली में पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा बिल पास किया था, अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने का बिल पास किया था, है ना। 57 महीने तक ये काम इन्होंने कुछ काम नहीं किया, आराम किया, बहुत ऐश करी, उसके बाद 3-4 महीने ताबड़तोड़ काम करे, काम भी क्या करे, बहुत सारी चीजें थी, पर जनता जनार्दन है और जनता ने उनको बहुत बड़ी मैंडेट दी है, उसकी उनको बधाई है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, चलिए आप जीते। परंतु प्रशांत किशोर जी के साथ अपने जो है स्कोर वो सेटल कर दें। दूसरी बात, अगर इनको ये लग रहा है प्रशांत किशोर को कि दिल्ली जिताने के बाद ये पूरा जो भारतवर्ष है वो आम आदमी पार्टी को जिता देंगे, गलतफहमी में, इतिहास याद दिलाती हूँ इनको, इतिहास ये है कि जब पंजाब का चुनाव आम आदमी पार्टी जीतने गई थी, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि पंजाब के अंदर 117 सीट में से हम, यानी कि आम आदमी पार्टी 100 सीटें जीतेगी, और 100 सीटों से अगर हम कम जीते ना राजनीति छोड़ देंगे, ये तो इनका हर बारी का काम है झूठ बोलना, और ये जीते 19 सीटें, कहाँ गए भैया, राजनीति भी कर रहे हैं, राजनीति में बैठे हुए भी हैं, ये वही वाली बात है कि बातें बड़ी बड़ी करते, होता इनसे कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी का भी यही हाल, रेडियो से निकाल दिया गया है, तो मैम कह सकते हैं कि अब वो नीतीश कुमार को ही घेर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अब घर का भेदी लंका ढा सकते हैं नीतीश कुमार के लिए। नहीं बिल्कुल, क्या लंका ढाएंगे ये, इनको पहले अपना घर सुधारना पड़ेगा। जहां तक नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सज्जन, एक बहुत बड़े स्टेचर के, बहुत बड़े लेवल के पॉलिटिशियन है, उन्होंने पूरी जिंदगी बिहार में काम किया है, राजनीति करी है। प्रशांत किशोर जी अभी जुम्मा आए हैं और कहते हैं मैं किंग मेकर हूँ, और क्या आप कह रहे हैं कि हम जाके मैं जो हूँ उनके किंगडम में सेंध लगा दूंगा? अरे भैया सेंध तब लगाओगे जब आपको वहां पर बैठे रहना पड़ेगा। मैं प्रशांत किशोर जी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ, प्रशांत भैया एक काम कर दो ना, एक विधानसभा अपनी मर्जी से ले लो, एक विधानसभा बिहार में, और जीत के दिखा दो उस विधानसभा को, और जीतो, और उसके बाद ऐसा
बाकी सब की जमानत जब्त करा दो। प्रशांत भैया तुमको सल्यूट करूंगी मैं, पर मुझे भी पता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि करनी में और कथनी में बहुत अंतर होता है। मोटे पैसे लेके किसी के पॉलिटिकल एडवाइजर बन जाना और उनको ये बोलना कि मैं तुमको जिताऊंगा, अलग बात होती है कार्तिकेय, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी के लिए वो सब कर रहे हो, लेकिन जनता के बीच में जाके जनता के साथ काम करके जनता को सर माथे पर बिठा के विजयश्री हासिल करना दूसरी बात होती है। ये चीज करना अलग चीज होती है कि दिल्ली के चुनाव में आखिरी में प्रशांत किशोर जी ने क्या किया, पोलराइजेशन शुरू कर दिया, केजरीवाल जी को हनुमान मंदिर भेज दिया, उनको हनुमान चालीसा पढ़वा दी, मनीष सिसोदिया को बोल दिया कि तुम भैया ये बोलो कि मैं जो हूँ शाहीन बाग के साथ हूँ, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भैया को ये भी बोल दिया कि ये बोलो कि अगर दिल्ली पुलिस मुझे दे दी तो डंडे मार के 2 घंटे में शाहीन बाग खत्म कर दूंगा। अमानतुल्ला खान भाई साहब को वहां भेज दिया और उनसे ऐसी बयानबाजी करवा दी जो कि मैं जो हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको मैं खत्म करके रख दूंगा। तो इतना पोलराइजेशन आपने करवा दिया और साम दाम दंड भेद से आप ये चुनाव जीत गए। सिर्फ प्रशांत किशोर यही कर सकते हैं, जनता की सेवा नहीं कर सकते नीतीश जी के जैसे। मैम प्रशांत किशोर जी ने ये और कहा कि नीतीश कुमार गांधी जी की बात करते हैं लेकिन जो लोग गोडसे का साथ दे रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, बिहार में गांधी और गोडसे की विचारधारा एक साथ नहीं चल सकती। मुझे ना यकीन एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँ यकीन नहीं आता है, मुझे इनकी सोच पर शर्म आती है। ये बापू को आज किस स्तर पर लेकर के आए हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे सर माथे पर, जो हमारे दिल पर, जो हमारे इस पूरे भारत के कण कण में हैं, आज इन्होंने ये हालत कर दी है कि हर चीज़ में जहाँ पर इनके पास कोई पॉलिटिकल जवाब नहीं आता है बापू को ये लेकर के आ जाते हैं। बापू का स्तर इन्होंने ये कर दिया है। अभी CAA की जो लड़ाई थी ये बापू की इच्छा थी, ये बापू ने ही बोला था कि जो माइनॉरिटीज परसिक्यूटेड होती हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको हमें भारत में लाना पड़ेगा और भारतवर्ष में हम लाएंगे। आज इनकी ये हालत हो गई है कि राजनीति के चक्कर में, मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में, भाजपा का विरोध करने के चक्कर में ये बापू की बात भी नहीं मान रहे हैं। बापू को इन्होंने झूठा ठहरा दिया है, ये बोल दिया कि बापू ने ये बोला ही नहीं था। तो बापू को अपना इस्तेमाल करने, अपने अपनी राजनीति के इस्तेमाल करने के लिए बंद करो भैया। आप हाथ जोड़ के विनती है, ये घटिया राजनीति बंद करिए और अपनी छोटी सोच अपने तक ही रखिए। मैम ये कह सकते हैं कि दूसरे का सपना साकार करने वाले प्रशांत किशोर अब अपने लिए सपना संजोने लगे हैं सीएम पद के लिए। इनको सीएम बनाएगा कौन? इनको कौन सीएम बनाएगा? मैं इनको इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं ये वो वाली बात है, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये उसी हालत में है, ये यहाँ पर बैठे। अब मैं मान जाऊं ये कहते हैं, अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं ना कि मैं किंग मेकर हूं, मैंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जिताया और अब मैं बिहार भी जिताऊंगा तुमको, मैं ये कहती हूँ एक और चैलेंज प्रशांत किशोर जी आज आपके लिए, आप भी क्या याद रखेंगे। और वो चैलेंज ये है कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड है ना, आपके सबसे मतलब पक्के दोस्त अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगर कल या एक हफ्ते के अंदर वो ये घोषणा कर दे कि मेरे भाई प्रशांत ने मुझे चुनाव जिताया, इसकी बदौलत से मैं मुख्यमंत्री बना, 2.5 साल मुख्यमंत्री मैं रहूंगा और 2.5 साल प्रशांत किशोर तू रहेगा, तब मैं मानूं कि तुमने जो है इनको वाकई इनको चुनाव जितवाया है और ये तुमको चाणक्य मानते हैं, अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। अरे भैया ऐसा है, जो हाथी के दांत होते हैं ना वो खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। प्रशांत किशोर जी जाने दीजिए और थोड़ी हवा आने दीजिए, रहने दीजिए। थैंक यू सो मच।